मैं डॉक्टर भावेश कुमार चौहान प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीबीडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आपका एक्टीय कोर्स कोड के डबल ई थ्री ज़ीरो टू मैं पुनः स्वागत करता हूं हम जो ये लेक्चर फाइव है इस सीरीज़ का आपने पूर्व के भी लेक्चर देखे होंगे अगर नहीं देखे तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप वो भी देखें क्योंकि वो इससे पहले के पूर्व के जो ज़रूरी कंसेप्ट या ज़रूरी मालूम हैं उनसे संबंधित है तो उससे आपको मदद मिलेगी अब ये जो लेक्चर फाइव है हमारा इस मॉड्यूल का जो कि यूनिट वन का पार्ट है उसमें हम लगभग आधे घंटे में एरर्स इन मेज़रमेंट के बारे में चर्चा करेंगे तो ये इसका जो बेसिकली आउटलाइन और जो आउटकम रहेंगे इस आधे घंटे की चर्चा के बाद हमको सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू वैल्यू के बारे में जानकारी होगी साथ के साथ जैसा मैंने कहा कि इरर्स इन मेजरमेंट्स क्या क्या वो भिन्न तरीके की इरर हैं उनका क्या वर्गीकरण है किस आधार पे हमने उसको वर्गीकृत किया गया है तो सभी जो महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं जो कि मापते समय हो सकती हैं नापते समय हो सकती हैं उनके बारे में हम जानेंगे उसके क्लासिफिकेशन को भी विस्तार से चर्चा करेंगे और बाद में कुछ निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास होगा ट्रू वैल्यू तो एरर्स इन मेजरमेंट में ट्रू वैल्यूज का आ, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ इंफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट मेजर्ड वैल्यूज ओके वेन एवरेज डेविएशंस ड्यू टू द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टेन्स टू बी जीरो तो बेसिकली ये माना जाता है कि ट्रू वैल्यू जो पूर्व में इस तरीके की परिभाषा थी और इस समझ थी और आज भी है लेकिन वो प्रासंगिक नहीं रही कि अगर हम इनफाइनाइट मेजरमेंट्स करें और फिर उन इनफाइनाइट मेजरमेंट्स में देखें कि एवरेज जो डेविएशन है जो क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए कोई वैल्यू 4.1 आ रही है एक बार 3.9 आ रही है फिर 4 आ रही है तो 4 को अगर हमने एक रेफरेंस मान लिया तो एक बार पॉइंट आप देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है एक बार माइनस पॉइंट वन आ रहा है तो अगर इन सारे डेविएशंस को हम सम करें सबको जोड़ें और अगर वो जीरो आ रहा है इफ़ इट इज टेंडिंग टू जीरो इसका मतलब क्या है कि हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू आई ओवरऑल एवरेज आया तो वो एवरेज को हम मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू ऐसा मानते थे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू बाई एक्सपेरिमेंटल मीन्स लेकिन जैसे हमने कहा कि इन्फाइनइट नंबर ऑफ मेजरमेंट कि हम किसी चीज़ को हज़ारों बार या अनगिनत बार नापें और उसके बाद उसका एक एवरेज लें और फिर उसको मानें ट्रू वैल्यू इस तरीके के मेजरमेंट करना यानी कि इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होना बार बार मेजरमेंट करना ये बहुत ही सुलभ नहीं है आसान नहीं है आप चाहेंगे कि एक ही बार मेजरमेंट हो और आपको ट्रू वैल्यू के बारे में जानकारी हो जाए तो इनफैक्ट इन प्रैक्टिस द टर्म ट्रू वैल्यू देन रिफर्स टू अ वैल्यू दैट वुड बी ऑपटेंड जो प्रैक्टिस में माना जाता है ट्रू वैल्यू उसको आप मानते हैं विच रिफर्स टू द वैल्यू दैट विल बी ऑप्टेंड इफ द क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन वर मेजर्ड बाई एन एग्जाम्पलर मैथर्ड कि अगर हम एग्जाम्पलर मैथड का इस्तेमाल करें और वो कुछ डेफिनेट मैथड्स होते हैं निश्चित तरीके होते हैं नापने के और उनसे जो हमको वैल्यू मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रू वैल्यू है सो दीज मैथड्स आर एग्रीड अपॉन बाई एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं कि हम किसी भी मैथड को एग्जाम्पलर मैथड मान लेंगे एक्चुअली कुछ ही रिकमेंडेड मेथड्स को आप एग्जाम्पलर मेथड मानते हैं और उनसे जो मान मिलता है उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारा ट्रू वैल्यू है एंड इट इज कंसिडर टू बी सफिशिएंटली एक्यूरेट फॉर द पर्पर पर्पज फॉर विच द डाटा विल अल्टीमेटली बी यूज यानी कि जिस काम के लिए हम डाटा का इस्तेमाल करने वाले हैं उसके लिए हम उसको पाते हैं कि वो सफिशियंटली एक्यूरेट है नो एरर्स इन मेजरमेंट क्योंकि हमने क्यों ट्रू वैल्यू को समझा क्योंकि आप उसको देखेंगे कि ट्रू वैल्यू जब हम एरर्स इन मेजरमेंट मालूम करते हैं या, यानी कि हमारे मापने में या नापने में या पैमाइश में क्या गलती हुई है अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो ये तभी मुमकिन है जब हमको उस उसकी ट्रू वैल्यू मालूम हो और ये ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी ट्रू वैल्यू को कैसे इस्तेमाल करेंगे स्टेटिक एरर तो इस्टेटिक एरर क्योंकि एरर के जैसा मैंने कहा कई तरीके के प्रकार होते हैं तो वन इज़ द स्टेटिक एरर नो वट इज ए स्टेटिकर एज यू कैन सी इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू यानी कि अगर हमने कोई मेथड ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं हम और उससे हमको कोई माप मिल रही है वी आर गेटिंग सम वैल्यू है ओके okay? uh, क्योंकि पहले वो अन नोन था पैरामीटर सपोज कीजिए किसी का लेंथ मापा हमने किससे स्क्रू गेस से तो हमको कोई मेजर्ड वैल्यू मिला लेट से देट इज़ वन पॉइंट टू फाइव ओके जीरो सेंटीमीटर और हमको ट्रू वैल्यू भी मालूम है उसकी लेट से दैट इज वन पॉइंट टू फोर जीरो सेंटीमीटर लेट से दिस इज गिवन एज द ट्रू वैल्यू ओके ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू तो इट मीन्स देयर इज सम एरर व्हाट इज दैट एरर दैट एरर विल बी इफ वी यू नो सब्सटेक्ट दिस मेजर्ड मीन्स मीन्स मेजर्ड वैल्यू से हम अगर ट्रू वैल्यू को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा स्टेटिक एर सो दैट विल बी बेसिकली जीरो वन जीरो सेंटीमीटर सो दैट विल बी दैटिक एरर नाउ माइंड इट कि इसमें हमको मान क्या है ट्रू वैल्यू इज गिवेन एज वन पॉइंट टू फोर जीरो और जबकि हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या वन पॉइंट टू फाइव जीरो ओके तो uh, इसका मतलब है जो एरर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है ओके okay? पॉजिटिव एरर आ रही है और कितना एरर है वो ट्रू वैल्यू ओके अब एब्सोल्यूट स्टेटिक एरर इसकी एब्सोल्यूट स्टेटिक एरर क्या होगी दैट विल बी 0.10 तो so, okay? uh, वहां आप बेसिकली मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेट करते हैं दैट इज एन एब्सोल्यूट स्टेटिक एरर देन एप्सोलूट स्टेटिक एरर की जब बात करते हैं तो वो बहुत प्रासंगिक नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आ, हम कहें कि एक अमीटर से हम करेंट को मेज़र कर रहे हैं और वन एम्पियर वन एम्पियर उसका मेजरमेंट में एरर आ रहा है तो अब वो अमीटर कितना एक्यूरेट है इसके बारे में जज करना केवल एप्सल्यूट स्टेटिक एरर से या स्टेटिक एरर से मुमकिन नहीं है क्योंकि तो वन एम्पियर अगर एरर है तो ये आपको समझना होगा कि जो स्केल है उस अमीटर का जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या है वो वन टू हंड्रेड एम्पियर है या वन टू यू नो फिफ्टी एम्पियर है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो एरर आया है क्या हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं करेंट का वो उसकी ट्रू वैल्यू फाइव एम्पियर है या हंड्रेड एम्पियर है मायने क्या है इसके कि अगर फाइव एम्पियर लेट से उसकी ट्रू वैल्यू है और आपको एरर के साथ कितनी एरर दी हुई है लेट से वन एम्पियर तो इसका मतलब वो आपको सिक्स एम्पियर दे सकता है अगर प्लस वन एम्पियर की एरर है और वो माइनस फोर एम्पियर वो फोर एम्पियर भी दे सकता है अगर वन एम्पियर की नेगेटिव एरर है लेकिन याद रखना यहाँ समझना होगा आपको कि अगर यही बात हम हंड्रेड एम्पियर के मेजरमेंट पर लागू करें तो इसका मतलब है कि हंड्रेड वन भी दे सकता है वो आपको और हंड्रेड वन एम्पियर और दूसरा नाइनटी नाइन एमपियर अब ये दोनों ही केस डिफरेंट हैं अगर हम फाइव एम्पियर के लिए वन एम्पियर का एरर दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एरर बहुत बड़ा है बिकॉज वन एम्पियर का एरर इन वेन द मेजरमेंट इज ऑनली टू बी डन फॉर ए मैग्नीट्यूड ऑफ फाइव एम्पियर इट मींस इट इज गोइंग अराउंड ट्वेंटी परसेंट ओके और अगर हंड्रेड एम्पियर की बात करें तो देन इट इज गोइंग इन रेंज ऑफ टू एम्पियर मीन्स अगर प्लस की बात करें तो वन जीरो वन और माइनस की बात करें तो नाइनटी नाइन एम्पियर तो मैक्सिमम आपका टू एम्पियर जा रहा है तो हंड्रेड के रेफरेंस में जा रहा है तो मीन्स टू बाई हंड्रेड मीन्स इट इज प्लस माइनस वन एम्पियर और प्लस माइनस वन परसेंट ओनली जबकि यहाँ पर क्या है प्लस माइनस ट्वेंट मीन्स टेन परसेंट हियर एंड टेन परसेंट दे और बेसिकली ट्वेंटी परसेंट फाइव के रेफरेंस में ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा प्लस ट्वेंटी परसेंट और माइनस ट्वेंटी परसेंट तो यू कैन सी दैट वेन वी टॉक अबाउट हंड्रेड एम्पियर इट इज टर्निंग आउट ओनली प्लस माइनस वन परसेंट बट वन वी आर टॉकउट फाइव एम्पियर मेजरमेंट इट इज टर्निंग आउट प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट सो देर इज ए ह्यूज डिफरेंस ऑफ रिलेटिव स्टेटिक एर का मतलब क्या होता है इरर का मतलब होता है कि जब आप इरर का जो एप्सल्यूट इरर है एप्सल्यूट इर को अगर आपने डेल ए का कहा और जो उसकी ट्रू वैल्यू है यानी कि अगर आपने उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को ए एस माना सो ये दोनों का जो रेशियो है द रेशियो ऑफ द टू ओके दैट इज नोन एज द रिलेटिव स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल यानी कि जैसा कि आपने देखा कि उस केस में इट वॉज वन एम्पियर अपॉन फाइव एम्पियर दैट दैट ओके सो दैट वी सेट दैट इट विल बी कमिंग एज प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट बट इन केस ऑफ हंड्रेड इट वॉज

तो परसेंटेज रिलेटिव एरर में क्या है जो आपको अभी मिला डेल ए अपॉन ए एस तो इसको अगर आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें बिकॉज यू नो द परसेंटेज सो यू विल गेट इट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज रिलेटिव एरर ओके और यानी कि ये कह सकते हैं कि जो डेल होगा डेल ए होगा यानी कि जो स्टैटिक एरर है वो कितना परसेंटेज है तो उसको अगर मालूम करना है केवल फ्रैक्शन uh, की फॉर्म में तो आप उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लेकिन अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में मालूम करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद हंड्रेड परसेंट हंड्रेड नंबर नाउ स्टैटिक करेक्शन स्टैटिक करेक्शन के क्या मायने हैं स्टैटिक करेक्शन के मायने हैं कि जो भी आपका स्टैटिक एरर है अगर आप उसको माइनस uh, कर देते हैं ओके okay, तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल मेजर्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू जो भी आपका मेजरमेंट है और आपको सपोज कीजिए पहले से ही मालूम है कि स्टेटिक एरर कितना है तो अगर आप उसको मैं एप्सलूट स्टेटिक एरर को यानी कि अगर उसमें एप्सल्यूट स्टेटिक एरर को माइनस कर दें तो आपको एक्चुअली क्या है ट्रू वैल्यू मिल जाएगी या एक्चुअल वैल्यू है तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट यू विल गेट सो एक्चुअल वैल्यू मालूम करने के लिए अगर आपको पहले तो से ही एब्सोल्यूट स्टेटिक एरर दिया तो उसको माइनस करके किससे मेजर्ड वैल्यू से आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाता है सो दिस इज नाउ एरर कैलिब्रेशन कर्व व्हाट इज एरर कैलिब्रेशन कर्व एरर कैलिब्रेशन कर्व क्या है कि अगर आप एरर को लें, ओके परसेंटेज एरर जो अभी आपने देखा था परसेंटेज रिलेटिव एरर तो सपोज़ कीजिए आपने इसको जीरो माना ओरिजिन दिस इज वन परसेंट दिस इज टू परसेंट और थ्री परसेंट और ये सी को आपने लेट से दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री सिमिलरली दिस इज माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री एंड लाइक वाइज आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर एरर आपकी ज़्यादा है तो अगर यहाँ परसेंटेज आपने एरर ले लिया आपके रिलेटिव एरर्स ओके परसेंटेज एरर परसेंटेज स्टैटिक एरर यू कैन से परसेंटेज स्टैटिक एरर और यहाँ पे आपने परसेंटेज जो फुल स्केल रीडिंग है वो ले लिया यानी कि अगर सपोज कीजिए ये 20 परसेंट है 20 दिस इज 40 परसेंट दिस इज 60 परसेंट दिस इज 80 परसेंट एंड दिस इज 100 परसेंट तो ये एरर का क्या पैटर्न आ रहा है तो सपोज कीजिए कीजिएरर का लेट से कहीं यहीं पे पॉजिटिव आई कहीं नेगेटिव आई या फिर ये फदर नेगेटिव हो गई देन ये पॉजिटिव हो गई तो ये जो एरर का वेरिएशन है परसेंटेज स्टेटिक एरर का विद रेफरेंस टू फुल स्केल स्पान और फुल रेंज ओके जो मेजर्ड वेरिएबल का फुल रेंज है तो उस फुल रेंज पर कैसे एरर का वेरिएशन आ रहा है तो वैल्यू को लिया है किस में स्केल के रेंज में हो सकता है कुछ रीडिंग्स आपकी हाफ स्केल पर आ रही हों सपोज़ कीजिए अगर मेजरमेंट जीरो टू हंड्रेड एम्पियर के बीच में है तो अगर फिफ्टी एम्पियर पे है तो बीच में आएगा ओके okay, लेकिन 50 एम्पियर मेजर करते हुए कितनी एरर आ रही है उसको आपने करस्पॉन्डिंग यहाँ दिखाया लेट से वो पॉजिटिव एरर आ रही थी लेकिन जब आपने 85 पे मेजरमेंट किया तो लेट से वह नेगेटिव एरर आ रही थी एंड दैट वाज माइनस टू परसेंट तो जब एरर का वेरिएशन आप स्केल uh, uh, जो मेजर्ड स्केल है उसकी स्केल रेंज में दिखाते हैं जीरो टू हंड्रेड देन यू कॉल इट एज ए एरर कर ओके okay. uh, अब ये स्केल रेंज क्या है या स्केल स्पान क्या है दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है तो स्केल रेंज का मायने होता है कि सपोज कीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है और वो आपको जीरो से थ्री हंड्रेड एमपियर का मेजरमेंट करता है तो इसका मतलब जो है जो मिनिमम वैल्यू जिसको वो मेज़र कर सकता है और मैक्सिमम वैल्यू ओके स्केल yeah, रेंज uh, ऐसे भी uh, हो सकते हैं कि सपोज कीजिए वोल्ट मीटर है लेके और वन uh, थाउजेंड मेजर करता है तो इसका मतलब क्या है उसकी जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है वो 200 हंड्रेड वोल्ट है और जो मैक्सिमम जो वो मेजर कर सकता है वो लेट से वन थाउजेंड वोल्ट है नो दिस इज ए स्किल रेंज द मिनिमम वैल्यू दैट इट कैन मेजर एंड द मैक्सिमम वैल्यूट इट कैन मेजर बट वट इज स्केल 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 इज बेसिकली इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी कि जो हमने अभी 200 वोल्ट मिनिमम बोला और 1000 मैक्सिमम बोला यानी कि 1000 से अगर 200 को माइनस कर दें मीनिंग देर बाई वन थाउजेंड माइनस टू हंड्रेड दीज आर इन वोल्ट तो यू विल से दिस स्पान विल बी 800 वोल्ट इट विल बी 800 वोल्ट वेयर एज जो फर्स्ट केस में जिसमें हमने कहा कि अगर करेंट मेजर कर रहे हैं जीरो टू थ्री हंड्रेड तो इसमें क्या होगा इसमें जो स्पान होगा दैट विल बी थ्री हंड्रेड माइनस जीरो सो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू आई रिपीट मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन मेजर माइनस मिनिमम वैल्यू सो मिनिमम वैल्यू मे नॉट नेसेसरली ऑलवेज बी जीरो हो सकता है कुछ और हो जैसे कि आपने यहाँ देखा 200 और 1000, हजार टू हंड्रेड एंड दिस तो उसमें जो बेसिकली स्केल स्पान आया दैट इज नॉट 1000, थाउजेंड दैट इज एट हंड्रेड बिकॉज वन थाउजेंड माइनस टू हंड्रेड इज इक्वल टू एट हंड्रेड सिमिलरली अगर यह मीटर सपोज कीजिए हंड्रेड से थ्री हंड्रेड एम मेजर करता तो उसमें स्केल स्पान कितना होता थ्री हंड्रेड माइनस हंड्रेड दैट इज टू हंड्रेड बट इन दिस केस सिंस द इनिशियल मेजरमेंट इज जीरो एंड एंड थ्री हंड्रेड इज द मैक्सिमम सो दान इज थ्री हंड्रेड ओके सो दैट इज स्केल स्पान नाउ इरर इन मेजरमेंट तो इरर इन इरर इन मेजरमेंट में क्या है पहला तो लिमिटिंग इरर है जिसको आप गारंटी इरर भी कहते हैं कि ये बेसिकली दिस इज द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी डिजायर्ड तो लिमिटिंग एरर का मतलब है कि कोई मैन्युफैक्चरर आपको कहता है कि कोई सपोज कीजिए उसने एक वॉट मीटर आपको सप्लाई किया तो दैट मैन्युफैक्चरर में से कि आपका जो मैक्सिमम एरर आएगा प्लस माइनस दैट्स लेट्स से ही सेज इट इज़ टू परसेंट तो इसका मतलब अगर उसकी फुल स्केल रीडिंग जीरो से हंड्रेड वॉट है तो आपको जो मैक्सिमम एरर मिल सकती है वो हंड्रेड के करस्पॉन्डिंग क्या हुई दैट विल भी टू वाट तो प्लस माइनस टू वाट और ये प्लस माइनस टू वाट फुल स्केल पर भी मिल सकता है और ये ट्रू वैल्यू पर भी हो सकता है तो so, सपोज कि यह दस वाट भी अगर आप मेजर कर सक कर रहे हैं तो ये हो सकता है मुमकिन है कि आपकी रीडिंग जो है वो एट या ट्वेल्व हो जाए लेकिन याद ये समझना होगा कि जो लिमिटिंग एर है दिस डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ओके और हाउ एक्सपेंसिव इन एक्सपेंसिव मटीरियल दैट यू आर यूजिंग और हाईली स्किल्ड वर्कमैनशिप तो ऑटोमेटिकली जहाँ आपको ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है तो वहाँ आप बेहतर डिज़ाइन के लिए जा सकते हैं एक्सपेंसिव मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली वहाँ पे हाई स्किल्ड वर्कमैनशिप यूज़ होगी लेकिन जहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है यानी कि जहाँ आप ज़्यादा एरर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट गो फॉर कॉस्टली डिजाइन मीनिंग देर बाय यू हैव टू मेक सर्टन कम्प्रोमाइज़ यू मे हैव टू मेक सर्टन कम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ मेटीरियल द स्किल्ड वर्कमैनशिप क्योंकि द कॉस्ट डज नॉट परमिट यू और मे बी इट मे नॉट बी वाइज टू यू नो परचेज दैट ए कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट सच ए कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट लिमिटिंग एरर जैसे हमने कहा कि गारंटी एरर है सो मैन्युफैक्चर हैज टू स्पेसिफाई द डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी सो दैट इज बेसिकली गिवन एज ए परसेंटेज ऑफ द फुल स्केल रीडिंग तो वो ये बेसिकली परसेंटेज के फॉर्म्स में दिया जाता है और वो फुल स्केल के करस्पॉन्डिंग होता है ट्रू स्केल में या ट्रू वैल्यू पर बहुत रेयरली दिया जाता है ओके इट इज ऑलमोस्ट आई वुड से नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ओनली फॉर द फुल स्केल द लिमिट्स ऑफ दिज डेविएशंस फॉर मे स्पेसिफाइड वैल्यू आर डिफाइंड एज द लिमिटिंग एरर और गारंटी एरर ओके सो आप ये देख सकते हैं दिस इज द लेट से नॉमिनल वैल्यू एस लेट से दिस इज ओके सो इफ ए एस इज द यू नो नॉमिनल वैल्यू दैन डेल ए दैट इज़ द गारंटी एरर डेल इज द गारंटी एरर तो डेल इज दिस इज़ यूजली गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो आप ये कह सकते हैं कि कितना एरर होगा अगर जीरो से सौ एम पीयर के लिए दो परसेंट है इसका मतलब कि अगर वो अमीटर है तो प्लस माइनस टू एम पीयर कुड बी द एर वेल मेजरमेंट नो लेट्स सी सम न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल में आप देखिए द लेट्स ए एक इंडक्टेंस है और इंडक्टर इज गिवन एज वन मिली हेनरी और उसमें आपको एरर दिया हुआ है प्लस माइनस फोर परसेंट तो फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इज गारंटेड तो अगर प्लस माइनस फोर परसेंट दिया हुआ है और एक मैन्युफैक्चरर आपको एक इंडक्टर दे रहा है और उस इंडक्टेंस की वैल्यू तो क्या वैल्यू हो सकती है कि तो ये आपको समझना होगा वन मिली हेनरी दे रखा है हमको वन मिली हेनरी इज द वैल्यू दैट इज गिवन और प्लस माइनस फोर इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस माइनस फोर परसेंट मीनिंग देर बाई जीरो पॉइंट जीरो फोर मिली नरी कुड बी द डेविएशन ओके क्योंकि प्लस माइनस फोर परसेंट किसका है वन मिली हेनरी का तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो है वो पॉइंट नाइन सिक्स मिली हेनरी से ओके वन पॉइंट टू वन पॉइंट जीरो फोर मिली हेनरी तक हो सकती है तो दैट इज द वेरिएशन क्योंकि एप्सल्यूट इनर कितनी होगी इसमें जो पॉसिबल है मैक्सिमम पॉसिबल दैट विल बी जीरो पॉइंट जीरो फोर तो जीरो पॉइंट जीरो फोर माइनस भी हो सकता है और प्लस uh, भी हो सकता है लेकिन ये मैक्सिमम रेंज है वैल्यू में लाई इन बिटवीन आल्सो लेकिन कह सकते हैं कि जो इस जब आप इसको यूज करेंगे इस इंडक्टर को तो इस इंडक्टर की वैल्यू uh, वेरी कर सकती है 0.96 जो कि लीस्ट पॉसिबल है यानी कि इससे कम नहीं हो सकता है और 1.04 से ज़्यादा नहीं हो सकता सो दैट इज़ हाउ द वेरिएशन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल आल्सो गिव यू एन आइडिया दैट इज 0 टू 20 एमपियर अमीटर हैज़ ए गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ 5 परसेंट जीरो से बीस एम्पियर का दिया हुआ है और इसमें फुल स्केल रीडिंग पर फाइव परसेंट दिया हुआ है द करेंट मेजर्ड बाई दिस अमीटर इज टेन एम्पियर ओके तो टेन एम्पियर उस समय जो है वो एक्चुअल मेजरमेंट आ रहा है जो मेजरमेंट आ रहा है ओके okay? तो मेजर्ड वैल्यू इज टेन एम्पियर और रेंज क्या है जीरो टू ट्वेंटी स्पान क्या है अगर आप स्पान याद रखें तो ट्वेंटी माइनस जीरो ओके और रेंज है जीरो से ट्वेंटी कैलकुलेट द लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिजल्ट तो आप यहां देख रहे हैं डेले इक्वल टू एफ साइलन आर ए एस तो ये एफ साइल एन आर इज डे ले अपॉन डेले की डेले अपॉन ए एस तो यहां पर आप देखिए कि कितना पांच परसेंट दिया हुआ है जीरो से ट्वेंटी पांच परसेंट का मतलब क्या है ट्वेंटी पे फुल स्केल पे ले रहे हैं हम तो देट विल बी वन एम्पियर ओके फाइव परसेंट विल बी वन एम्पियर तो यानी कि वन एम्पियर प्लस माइनस एर हो सकता है ओके okay. और करंट मेजर कितनी की जा रही है टेन एम्पियर तो टेन एम्पियर पे हो रहा है तो ट्रू वैल्यू क्या है बेसिकली टेन एम्पियर है जो मेजर वैल्यू है तो आप जो निकालेंगे रिलेटिव एरर दैट विल बी वन एम्पियर क्योंकि ये प्लस माइनस हो सकती है तो फुल स्केल पर ही निकालना है याद रखिए दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन फुल स्केल और ये कैसे निकला फाइव परसेंट ऑफ फाइव अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच ट्वेंटी एम्पियर फुल स्केल इज ट्वेंटी एम्पियर सो अगर आप इसको सॉल्व करें यू विल गेट इट वन एम्पियर तो वन एम्पियर अब एक्चुअल जो मेजरमेंट हो रहा है वो टेन एम्पियर है नॉट ट्वेंटी एम्पियर आप फुल स्केल पर नहीं है आपका मेजरमेंट इस समय टेन एम्पियर पे हुआ है टेन एम्पियर को आप मेजर कर रहे हैं तो इसमें एरर कितनी हो सकती है इट कुड बी नाइन और इट कुड बी एलेवन सो वन एम्पियर अपॉन टेन एम्पियर तो जो परसेंटेज आएगा अगर इसको परसेंटेज से निकालना है तो आपको वैसे तो वैल्यू जीरो पॉइंट वन आएगी लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में हमको मालूम करना है तो आपको हंड्रेड से भी मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट इज वाई यू विल गेट टेन परसेंट तो यू कैन सी फुल स्केल पे फाइव परसेंट इरर है बट इस केस में एरर विल बी ट तो अगर आप जितना कम मेजरमेंट करेंगे जितनी कम वैल्यू को मेजर करेंगे क्योंकि ट्रू वैल्यूट रिलेटिव फ्रैक्शनल इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एर टू द स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वान्टिटी तो यह रिलेटिव एर से आपको बेसिकली का आइडिया होता है एबसुलट एर से नहीं होता जैसे हमने पहले भी कहा और रिलेटिव एर को रिप्रेजेंट करते हैं डेले जो कि आपकी स्टेटिक एरर आ रही है डिवाइडेड बाई जो भी आपकी नॉमिनल वैल्यू है ए एस या मेजर्ड वैल्यू है ओके okay? सो so, इसको भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं कि सपोज कीजिए दो रजिस्टर हैंज ट्वेंटी ओम और पहले वाले में टेन परसेंट प्लस माइनस एरर पॉसिबल है और दूसरे में फाइव परसेंट है और आपको मालूम क्या करना है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द लिमिटिंग एरर इन इन ओम्स परसेंटेज ऑफ रजिस्टेंस ऑफ दीज रजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो आर वन आर टू सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो अगर हम एरर को इग्नोर करें तो वैल्यू क्या हो सकती है दैट विल बी थर्टी ओम ओके लेकिन अगर एरर की भी बात साथ के साथ करें तो आप देखिए दस परसेंट टेन परसेंट टेन ओम का कितना होगा दैट विल बी वन ओम ओके सो दैट विल बी प्लस माइनस वन ओम और ट्वेंटी ओम का भी फाइव परसेंट लेंगे तो कितना होगा दैट विल बी अगेन वन ओम ओके सो बेसिकली ये प्लस माइनस जो है आप बाहर लेंगे यानी कि टेन प्लस ट्वेंटी तो आपकी एक्चुअल वैल्यू है और प्लस माइनस दिस सीरीज में रस को याद रखिए जब भी आप कैल्कुलेट uh, करते हैं चाहे वो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो ओके या एडिशन हो एरर्स दे दे एक्यूमुलेट टुगेदर बिकॉज प्लस माइनस दोनों तरफ पॉसिबल है तो इसको हम क्या कहेंगे वन एम्पियर प्लस वन एम्पियर क्योंकि दोनों को आपने मैक्सिमम तरीके से लिया तो और प्लस माइनस दिस सो मीनिंग देर बाई थर्टी तो आपका एक्चुअल वैल्यू अगर ये एब्सोल्यूट होती है देर वॉज देर अगर कोई एरर ना होता और थर्टी के साथ जो एरर का वेरिएशन हो सकता है वो प्लस माइनस टू का हो सकता है दैट इज़ प्लस माइनस टू ओके ओम सो मीनिंग देर बाई जो वैल्यू वेरी कर सकती है लेकर और थर्टी टू ओम तक वेरी कर सकती है टू थर्टी टू ओम तो अब कितना यहां पे देखिए सो वेरिएशन विल बी प्लस माइनस टू ओम का वेरिएशन आएगा और वैल्यू आएगा थर्टी तो एक्चुअल में अगर हम कहें तो वही ट्वेंटी एट से लेके थर्टी टू तक आपका इसका वेरिएशन होगा और परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो क्या होगा दैट विल बी टू अपॉन क्योंकि दो आपका मैक्सिमम टू ओम का वेरिएशन हो सकता है सो दैट विल बी टू ओम अपॉन थर्टी ओके और क्योंकि हमको परसेंटेज में मालूम करना है तो इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई भी करना होगा सो दैट विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंटेज सो आंसर विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंटेज ओके क्योंकि रिलेटिव्स की बात की है तो रिलेटिव का मतलब क्या है आपको जो भी आपका एब्सोल्यूट आया है स्टेटिक एरर कितना आ रहा है टू टू ओम क्योंकि वन ओम आपका टेन ओम में पॉसिबल है ट्वेंटी ओम में भी वन ओम पॉसिबल है दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाई एक्चुअल कितना मैग्नीट्यूड आएगा थर्टी ओके और तो टू ओम डिवाइड बाई थर्टी विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स क्योंकि हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स क्या है वो दैट विल भी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स तो आप कह सकते हैं राउंड ऑफ करें तो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट विल बी द एरर द आंसर विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन अगर राउंड करें सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन दैट विल बी द आंसर ओके नो no. सोना so, uh, ये और ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आ, कि हम इरर्स uh, को तीन कैटेगरी में दूसरे तरीके से भी वर्गी वर्गीकृत कर सकते हैं तो देट इज़ ग्रॉस एरर सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर ग्रॉस एरर जो है हम उन रस को मानते हैं जो ह्यूमंस के वजह से uh, होती हैं यानी कि बिकॉज इट मेनली कवर्स ह्यूम्स मिस्टेक्स इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरमेंट तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो एरर्स आती हैं आप उनको ग्रॉस की कैटेगरी में रखते हैं एंड दे आर अवॉइडेड बाई टेकिंग केयर इन रीडिंग्स एंड रिकॉर्डिंग तो अगर ह्यूमन्स के जो इन्वॉल्वमेंट है दे आर मोर कॉन्शियस देन दे कैन रिड्यूस इट बाई टेकिंग ड्यू केयर एंड ड्यू प्रिकॉशंस सो मल्टीपल रीडिंग्स इसका रेमेडी क्या है कि आप मल्टीपल रीडिंग्स लें जिससे कि अगर वो एरर हो रही है तो डिफरेंट रीडिंग्स लेते समय वो ऑटोमेटिकली डेविएशंस आपको रिफ्लेक्ट होंगे और आप एवरेज लेके उस डेवियशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं दूसरा जो कैटेगरी है वो सिस्टमेटिक एरर का है सिस्टमेटिक एरर दीज टाइप्स ऑफ एरर्स आर रिलेटेड विद द इंस्ट्रूमेंटल इन्वामेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल तो इसके भी तीन डायमेंशनस हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती हैं वो इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग्स की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स में रहती हैं जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर या उसकी कंस्ट्रक्शंस या कैलिब्रेशंस या ऑपरेशंस का जो इंस्ट्रूमेंट है या मेजरिंग डिवाइस में कर कोई इशू है या उस मिस यूज़ हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का या फिर लोडिंग इफेक्ट्स से इन सारे कारणों से जो है आपकी ये इंस्ट्रूमेंट एरर्स हो सकती हैं ओके okay. और इन्वायरमेंटल एरर्स जो हैं जैसे कि अगर हम इसका सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं कि स्प्रिंग जो पी एम एम में अगर स्प्रिंग ओल्ड एज हो गई पुरानी हो गई तो ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू द एरर्स या वोल्ट मीटर में अगर हमने जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कंपेरेबल है एक्सटर्नल रजिस्टेंस जो सर्किट का है तो उस वजह से भी एरर आएगी तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स दीज आर बिकॉज ऑफ द श्यूज विद द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर एज इन्वायरमेंटल जो एरर्स हैं दे आर ड्यू टू द कंडीशन एक्सटर्नल टू द मेजरमेंट डिवाइस ओके इंक्लूडिंग कंडीशन इन एरिया फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर प्रेसर ह्यूमिडिटी और यू नो यू नो अदर पैरामीटर्स और द टू रिड्यूज दिज एर वी बेसिकली मेजर्स सच एज़ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लो और तो हम क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या शील्डिंग इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये जो वेरिएशंस हैं विद द हेल्प ऑफ शील्डिंग वी कैन रिड्यूस दैम और बाई यूजिंग प्रॉपर सीलिंग वी कैन रिड्यूस दिस इम्पैक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ इन्वायरमेंट अनदर इज ऑब्जर्वेशनल एर तो ऑब्जर्वेशनल एरर्स में बेसिकली uh, ये ऑब्जर्वेशन की वजह से होता है जैसे कि पैरालेक्स का इफेक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ह्यूमंस का अगर लाइन इन लाइन विद द विज़न नहीं है लाइन ऑफ विज़न प्रॉपर नहीं है अगर आपने इस पॉइंटर की इमेज को ऊपर से नहीं देखा और आपने इसके रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है अगर साइड से आप देखेंगे तो इट विल लीड टू द एरर तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल रेस्पॉन्स भी रहते हैं ह्यूम्स के तो उस कारण से भी आपको इसको कंट्रोल करना होता है डिजिटल डिस्प्ले अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे इश्यूज़ आपके खत्म हो जाते हैं रैंडम एरर्स वो एरर्स हैं जो कि बाकी सारे फैक्टर्स जिनसे आप आप अनअवेयर हैं उनको इन्वॉल्व करने से होती हैं तो दे आर रैंडम एरर्स विच यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी अदर रीजन्स रैंडम एरर्स आपकी रिड्यूस रिलायबिलिटी को रिड्यूस करती हैं और जबकि आपकी एरर एक्यूरेसी को रिड्यूस करती हैं तो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगेन द सेम दैट वी डिस्कस एंड वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट लेक्चर्स ऑल्सो ओके सो आई विल टेक इट अप तो ये डिफरेंट एरर्स थे सभी ब्रॉडली क्लासीफिकेशन्स में इंक्लूड हुए हम इस चर्चा को अगले लेक्चर में भी जारी रखेंगे तो आपका फिर से पुनः स्वागत होगा आप अगली सीरीज के लेक्चर्स को भी लगातार देखते रहिए थैंक यू वेरी मच